नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है हनुमान चालीसा पढ़ने की सही विधि। भगवान हनुमान जी का प्रिय दिन मंगलवार माना जाता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जल्दी परिणाम देता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ विधि विधान से ही करना चाहिए। विधि पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ ना करने से पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। सही तरीके से हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तभी तो हमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें पूरा फल मिलेगा। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा अगर आप किसी कामना के लिए या फिर शत्रुओं से परेशान हैं या फिर आपकी कोई और कामना है या फिर आपको किसी काम में सफलता नहीं मिल रही तो A to Z इन सभी के निवारण के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो भूल कर भी दक्षिण दिशा में बैठकर पाठ ना करें। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में सबसे अधिक नेगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए आप इस दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके अंदर नेगेटिविटी आने के चांस अधिक रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा इस स्थिति को नज़रअंदाज करना चाहिए। दक्षिण दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वहां आपको इसका पूर्ण लाभ जरूर मिलेगा। जिस दिन से आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, शुद्ध लाल रंग के कपड़े पहनने हैं और उस के बाद आपने अपने घर के पूजा स्थल पर जहाँ पर आपने हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र या फोटो स्थापित कर रखा है, अपने घर के मंदिर में वहाँ पर आपने लाल रंग के वस्त्र पहनकर और लाल रंग के आसन पर ही बैठना है। अगर आपके पास लाल रंग के वस्त्र नहीं है, लाल रंग का आसन नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र आप किसी और कलर के जिसमें लाल कलर थोड़ा हो तो वो भी आप पहन सकते हैं। आसन आप किसी कंबल का भी ले सकते हैं या फिर आप कोई लाल चादर वगैरह भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप सिंदूर लगाएं। अगर आप पुरुष हैं तो सिंदूर लगा सकते हैं, चमेली के तेल या घी में मिलाकर सिंदूर लगाएं। अगर आप महिला हैं तो आप भगवान हनुमान जी को स्पर्श ना करें, उन्हें लाल रंग के फूल, तुलसी पत्र और लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। आपने ये दीपक गाय के घी का ही जलाना है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता तो आप काले तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। भगवान हनुमान जी की फोटो या प्रतिमा के सामने कलश एक जल से भरा कलश रखना है। कलश आप स्टील, पीतल, तांबे का भी ले सकते हैं। उसमें आपने एक सिक्का और 2 लौंग डालने हैं और उसके बाद आप भगवान जी को प्रणाम करें और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। ये पाठ आपने 3 बार करना है और 3 बार पाठ करने के बाद आप प्रणाम करें और उस आरती करें और इसके बाद आप अपने दुख, कष्ट, परेशानियां, जो भी कोई कामना है वो भगवान हनुमान जी से कहें और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगें। ऐसा आपने 11 दिन लगातार करना है और आपने समय भी निश्चित करना है। अगर आपने एक मंगलवार 7 बजे किया है तो दूसरे दिन भी आपने 7 बजे ही पाठ करना शुरू करना है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें कि एक दिन आपने 7 बजे, दूसरे दिन 8 बजे, तीसरे दिन 9 बजे किया। ऐसा आपने नहीं करना है। अगर आप इस निश्चित समय पर सही विधि से 11 दिन लगातार 3 बार डेली पाठ करेंगे तो आपकी
हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद जो आपने जल रखा है वो जल आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं, आचमन भी ले सकते हैं और बचे जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। जो आपने सिक्का और दो लौंग रखे हैं वो आप उठाकर रख लें, जब किसी काम में जाएं तो उसको आप साथ में लेकर जाएंगे तो आपको आपके काम में सफलता अवश्य मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।